हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम सर। आपको आज मैं सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर 12th का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल पढ़ चुके थे, क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, और उसके बाद जो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, डिस्ट्रिक्ट का 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसको हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम में देख लेंगे। तो पहला है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, सबसे पहला आता है सिंपल क्यूबिक। आप लोग सभी जान रहे होंगे इनको, सिंपल क्यूबिक, जिसका हिंदी होता है सरल घनीय, या इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल प्राइमरी वर्ड से आया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब जैसा होगा, बट एक फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर हम सिंपल क्यूबिक को मान सकते हैं। तो इसमें जो क्यूब का फॉर्मेशन होता है वो उसके लिए हमको 8 एटम इसके जो कॉर्नर है वहाँ होने चाहिए। ये 8 एटम से मिलकर बना होता है, और 8ों एटम इसके कहाँ स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर पर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्नर पर, यानी कि जो कोना है उस पर 8 एटम का कॉम्बिनेशन होता है, और इससे आपका क्यूब बनता है। और क्यूब में जो ABC और अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू होता है, उसको हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम में डील कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या आप इन्हें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, BCC, ठीक है। हिंदी में इसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी हम कह सकते हैं यूनिट सेल के पूरे स्ट्रक्चर को, और सेंटर मतलब इसके सेंटर में, मतलब बॉडी के सेंटर में एक एटम होना चाहिए। यानी कि जो भी क्यूब का फॉर्मेशन होगा उसके लिए तो ये नेसेसरी है कि 8 एटम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कॉर्नर पर, तभी जाके आपका 3D क्यूब फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद इस BCC में एक सेंटर पर एटम होता है, एक सेंटर में बॉडी के पूरे सेंटर पर एक एटम होता है। तो 8 एटम तो आपके कॉर्नर पर हो गए, 8 एटम, और एक एटम आपका सिंगल एटम वो बॉडी के सेंटर में होता है, जो कि पूरे बॉडी के बीच में। तो सेंटर पर मेरा कितना एटम होता है, 1 एटम। तो ऐसा जो यूनिट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसमें जितने भी 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं। उसके बाद BCC, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया यूनिट सेल का, और इसके सेंटर में एक, इसके बीच में यहाँ पर एक एटम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं BCC, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, या बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा टाइप, थर्ड टाइप है आपका FCC। FCC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। इसको हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में, तो सेंटर में कहने का मतलब कहाँ पर, इसके फेस के सेंटर में, ये जो आपका फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम यहाँ पर सिचुएटेड होता है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसके 6 फेसेस हैं, जितने भी 6 फेसेस हैं सारे 6 फेसेस के सेंटर पर होगा, और जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पर आपके 8 एटम होंगे, क्योंकि कॉर्नर 8 है। इसी तरह से फेस हमारे 6 होते हैं यूनिट सेल में, तो इसलिए फेस, फेस के सेंटर पर, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस, तो फेस के सेंटर पर टोटल 6 फेसेस हैं, इसलिए सेंटर पर टोटल 6 एटम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये पता चला कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 6 फेस पर
छह फेस के सेंटर पर एक एक एटम होता है और एट एटम आपका उसके कॉर्नर पर है। इसके बाद आता है फोर्थ टाइप है, फोर्थ एक स्पेशल टाइप होता है, फोर्थ है आपका इंड सेंट्रल यूनिट सेल, इंड सेंट्रल यूनिट सेल ECC, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या है कि जो भी फेस के सेंटर पर होगा एटम वो सारे फेस पर नहीं होके आमने सामने किन्हीं दो फेस पर होगा। अगर वो इस फेस पर है तो उसके सामने वाला जो फेस है वहाँ पर इसके एटम होंगे, यानी कि एक टाइम में किसी दो फेस पर और दो फेस में भी आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ फेसेस, आमने सामने फेसेस पर एटम होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ लेफ्ट है तो एक राइट में होगा, एक आपके आमने है तो दूसरा सामने होगा, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा। इस तरीके से टोटल आपके कितने दो एटम एक बार में फेस पर होंगे, मतलब कॉर्नर पर आपके कितने एटम हो गए, एट एटम, और फेस पर कितने एटम हो गए, दो एटम। दो एटम ये भी कहाँ पर हैं, इन फ्रंट, मतलब आमने सामने। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होता है। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करवाता हूँ आपको, देखिए ये है मान लीजिए कि आपका क्यूबिक यूनिट सेल, तो FCC में एक यहाँ भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी, एक ये इधर भी, एक ऊपर भी, एक नीचे भी, ये छः फेस पर होंगे, ये हो गया FCC। और अगर आप ECC में हैं तो ECC क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आपका यहाँ पर एक एटम है तो इसके सामने एक दूसरा एटम होगा, वो भी फेस के सेंटर पर, फिर वो बाकी जगह पर नहीं होगा। अगर ऊपर है और नीचे है, एक 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 ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा और बाकी फिर किसी भी फेस पर नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ECC जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आमने सामने फेस पर आपके एटम होंगे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एक यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल और कंसेप्चुअल बात है, थोड़ा सा मिमिक भी है, कि अगर मैं पूछूँ कि इस क्यूबिक सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं तो आप बोलेंगे एट। ये आठ एटम, एट एटम के कॉर्नर से मिलकर ये बना है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसका रियल पार्टिसिपेशन, मतलब रियल नंबर ऑफ एटम अगर कोई आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब इस यूनिट सेल में कितना पार्ट किसी भी एटम का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा वन। मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें वन है, जबकि ये देखने से लग रहा है कि एट नंबर ऑफ एटम है। तो ये कैसे होता है, जस्ट अ वेट, इसमें क्लियर हो जाएगा। आप अगर इस बात को फोकस करेंगे तो यहाँ पर जो हिस्सा है, जो पार्ट है इस एटम का, ये जो इस एटम को हम फोकस कर रहे हैं, इस यूनिट सेल के अंदर इस एटम का बस इतना हिस्सा ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना अंदर वाला हिस्सा ही इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि और बाकी जो इसका हिस्सा है ये बाहर की तरफ है, ये किसी और यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं रियल में देखूं तो इसका कितना हिस्सा पार्टिसिपेट करता है, किसी एक एटम जो कॉर्नर पर है उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल को। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करता है, तो नंबर ऑफ एटम हम कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले हमको कुछ इसका पॉइंट फोकस करना होगा। ये मैं एक एटम रख रहा हूं कॉर्नर पर, थोड़ा सा मैं ये मान लीजिए यूनिट सेल है आपका, फोकस कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप भी फोकस करें। तो ये जो एटम है एक्चुअली ये 2D डायग्राम है, इसीलिए आपको इसके पीछे वाला हिस्सा वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसका पार्टिसिपेशन अगर मैं पूछूँ आपसे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इसका पार्टिसिपेशन 1/4 है सर, ये वाला हिस्सा, ये 1/4 है जो इस यूनिट सेल में आ रहा है यहाँ पर। बट अगर मैं इसको 3D व्यू में दिखाऊंगा, जो आपको पिक्चर अभी वहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा स्लाइड लगा हुआ, आप वहाँ पे गौर से देखिए, वहाँ पे जिस चीज़ को जूम किया जा रहा है, जिस चीज़ को दिखाया जा रहा है, वहाँ पे एक वाइट रंग का जो सर्कल है वो आपका वाइट जो है वो 1/8 है। मैं इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ तो आपको बाकी चीज़ इसमें फोकस होकर मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इसके आपके बाकी का जो हिस्सा है वो आपको दिख गया होगा। तो वहाँ पर ये इतना हिस्सा पार्ट ये अदर यूनिट सेल का है
और जो इतना हिस्सा है ये इतना ही हिस्सा इस यूनिट सेल को कवर करता है। मतलब ये हुआ कि इस यूनिट सेल में टोटल अगर कॉर्नर पर है तो टोटल 8 कॉर्नर है, और मैं अगर इस चीज़ इसको अगर मैं डील करूं तो इसका वन पार्ट अगर मैं इस सर्कल को मानता हूं, क्योंकि एटम को मैं मान सकता हूं कि वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। तो यहां पर 3D स्ट्रक्चर में इस कॉर्नर पॉइंट पर मात्र 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है किसी भी एटम का, अगर वो एटम कॉर्नर पर है तो इसका 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा। तो इस हिस्से का जो वैल्यू है वो है 1/8 पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। ये मैं इसको 1 कह सकता हूँ कॉर्नर पोजीशन पर, ठीक है। तो अगर कोई एटम अगर कॉर्नर पोजीशन पर है तो उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा एक यूनिट सेल में, ठीक है। अब आगे है बी, मैं दूसरा पोजीशन ले रहा हूँ फेस का। अगर फेस के सेंटर पर अगर कोई एटम है तो क्या होगा, मतलब यानी फलक पर है तो क्या होगा। तो मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ पहले, तो इस यूनिट सेल में फेस पर एक एटम, फेस के सेंटर पर एक एटम रखा है। इस एटम में मात्र 1/2 पार्ट इस यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। आप एनिमेटेड इमेज में देख लीजिए, मैं आपको वहां रोटेट करके दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा व्हाइट रंग का सर्कल, वो 1/2 पार्ट ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर 1/2 पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है एक एटम का, अगर वो एटम फेस के सेंटर पर है। यानी कि ये हुआ कि अगर कोई एटम फेस के सेंटर पर है और अगर एटम को मैं स्फेरिकल मानूं तो इसका मात्र 1/2 पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा और बाकी ये वाला पार्ट अदर यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वाले पार्ट का जो पार्टिसिपेशन है वो 1/2 पार्ट ऑफ एटम होगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर फेस पर कोई एटम है तो उसका 1/2 पार्ट होगा, अगर कॉर्नर पर कोई एटम है तो उसका उस यूनिट सेल में 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह से अगर मैं सेंटर पर अगर देखूं तो सेंटर पर तो पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर पर अगर कोई एटम रखा हुआ जैसा BCC में होता है, तो इस सिचुएशन में इस पूरे का इस एटम के पूरा का पूरा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 1 पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। तो आप इसको भी वहाँ 3D इमेज में देख सकते हैं, वहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक पोजीशन के हिसाब से एक समरी बना सकते हैं। आप यहाँ पोजीशन लिख सकते हैं क्या है और पार्टिसिपेशन कितना है एक एटम का। तो मान लीजिए मैंने कॉर्नर पर एटम लिया, तो कॉर्नर के एटम का 1/8 पार्टिसिपेशन होता है, फेस के सेंटर पर है तो 1/2 होगा, और अगर बॉडी के सेंटर पर है तो टोटल 1 एटम पार्टिसिपेट करेगा, पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है आपका उस बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हर एक यूनिट सेल में कैसे नंबर ऑफ एटम 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, BCC, FCC, SC सभी के लिए। तो मैं इधर जो समरी चार्ट है मैं इसको नहीं मिटा रहूँगा, इसको मैं रखता हूँ और उसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका SC जो है क्यूबिक यूनिट सेल, SC यानी सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के केस में 8 एटम आपके कहां पर हैं, सारे के सारे 8 एटम आपके कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट हम लोग ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन ऑफ एटम एट कॉर्नर। कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख सकते हैं थोड़ा स्किप थोड़ा रिवर्स लेके, टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 8
और पार्टिसिपेशन अगर आपका कॉर्नर पर है, क्योंकि क्यूबिक में सारे के सारे एटम कॉर्नर पर होते हैं, तो उसका पार्टिसिपेशन है आपका 8, तो ये हो गया 1/8। इसके अलावा सिंपल क्यूबिक में कहीं पर भी एटम नहीं होता, तो 8 एटम का पार्टिसिपेशन अगर एक पॉइंट पे फोकस करते हैं तो 1/8 है, तो ये आपका आ गया 1 एटम। एससी में कह सकते हैं हम लोग कितने एटम का कंट्रीब्यूशन है या नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। सेकेंड आते हैं बीसीसी। बीसीसी में आपका कितना होता है, आप सबको पता है कि बीसीसी में एक एटम आपका सेंटर पर होता है और 8 एटम आपके कॉर्नर पर होते हैं। तो इस तरीके से कितना हो गया, बीसीसी में कॉर्नर पर कितना हो गया 8 एटम और बॉडी के सेंटर पर कितना एटम हो गया 1 एटम। अब हम लोग इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि फॉर्मूला इस तरह से हम लोग बनाएंगे बीसीसी के लिए। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, प्लस इसलिए क्योंकि दो जगह है, एक कॉर्नर पर एक टाइप का एटम है और दूसरा सेंटर पर। नंबर ऑफ एटम एट सेंटर मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर 8, इसका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8, प्लस नंबर ऑफ एटम एट सेंटर कितना 1, अब पार्टिसिपेशन कितना होता है सेंटर पर 1, जस्ट इजी है पूरा, 2 एटम, ये आपका बीसीसी के लिए आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एफसीसी का क्या होता है। एफसीसी में भी दो पोजीशन पर है, एक तो आपका 8 कॉर्नर पर है, दूसरा फेस पर। एफसीसी इस तरीके से, ये आपका फेस हो गया, एक एटम यहां, एक यहां, दो यहां, इस तरह से टोटल एटम होते हैं। तो कॉर्नर पर आपका एटम कितना हो गया, कितना होता है 8, और फेस के सेंटर पर कितना है 6, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास दो पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हिस्सेदारी, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, प्लस नंबर ऑफ एटम एट फेस मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं 8, मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन कितना है 1/8, प्लस नंबर ऑफ एटम एट फेस, फेस पर कितने एटम होते हैं एफसीसी में, यस 6, मल्टीप्लाई पार्टिसिपेशन कितना होता है यहाँ देख लीजिए 1/2, 1/2 मैंने कर दिया, इसको कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि एफसीसी में कितने एटम होते हैं कंट्रीब्यूशन है, कितने एटम का, एक यूनिट सेल में 4 एटम का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ एटम को देखा और जो भी यूनिट सेल के टाइप्स हैं उसको समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी कि यूनिट सेल का जो 3D फॉर्म है वो कितने स्ट्रक्चर या कितने फॉर्म में पाया जाता है। जो टोटल ब्रेवियस नामक एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको खोजा था और इसके लिए उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम को दर्ज किया था, और वैसे ब्रेवियस लैटिस टोटल 14 होते हैं, और क्या है ब्रेवियस लैटिस और क्या है क्रिस्टल सिस्टम इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिए सत्यम सर के साथ। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।